हेलो एवरीवन वेरी वेलकम टू अन अकेडमी मैं अभिषेक कुमार झा आपका ज्योग्राफी का टीचर कैसे हो आप लोग क्या हाल चाल है आज मार्बल सीरीज की छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि छत्तीसगढ़ सेट का तीसरा क्लास है और 2019 के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तक हो गया था ये लास्ट क्लास है इसकी तीसरी क्लास है सो so, हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाए क्योंकि 50 क्वेश्चंस बचते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया था उसके आगे से हम चलेंगे कोशिश करेंगे कि अगर ये आज हो पाता है तो ठीक नहीं तो फिर अगली किसी क्लास में इसे कंप्लीट जरूर कर लिया जाएगा बढ़िया है सब अच्छा है इधर आप लोग अच्छे हो ना तैयारी अच्छी चल रही है एग्जाम बहुत दिन नहीं रह गया है तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन है ना सेशन को स्टार्ट किया जाए और सीजी uh, सेट का पेपर हम सभी लोग कर रहे हैं ठीक है ना इसके क्वेश्चंस हो चुके हैं फिफ्टी तक आपको बता दू मैं इसके पहले इसकी दो क्लासेस हो चुकी हैं तो नाइनटीन का पेपर हम कर रहे हैं अगर आपको इसका पहले क्लास देखना है तो मेरे प्रोफाइल पर चले जाना वहां पर आपको फ्री क्लास मिल जाएगा या टेलीग्राम पर भी मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ ठीक है इसके अलावा आप सभी लोग फॉलो कर सकते हो मुझे पे पे फॉलो करके आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहता है ठीक है ये वाली क्लास मंडे को होती है और थर्सडे तक चलती है यानी कि पांच दिन ये क्लास चार दिन ये क्लास आपको देखने को मिलता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी डिले के ये पीडीएफ आप लोगों को जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ना वैसे ही टेलीग्राम पे मिल जाएगा और यहां पर भी अपलोड हो जाएगा आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है ठीक है ये पहला क्वेश्चन है आज का

ठीक है इट right. तो किसके लिए था 1909 का वेवर का मॉडल लोकेशन के लिए था क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट है ना ट्रांसपोर्ट लीस्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल था इनका क्या था लीस्ट ट्रांसपोर्ट न्यूनतम है ना न्यूनतम परिवहन सिद्धांत था जो लोकेशन से रिलेटेड था राइट तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा है ना क्वेश्चन नंबर टू योर टाइम स्टार्ट नाउ वेलकम गाइस वेलकम ठीक है बी ऑप्शन किया है सभी लोगों ने लगभग लगभग स्वच्छ एवं शुष्क मौसम का निर्देशक है कौन सीरस सबसे टॉप क्लाउड होते हैं ये सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये है ना सीरस क्लाउड जनरली किसके बने होते हैं आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं और बहुत ही पतले और बहुत इनका ना अपियरेंस बहुत लाइट होता है जनरली के था इनकी हाइट देखने को मिलती है ठीक है ये तभी अपीयर होते हैं जब जैसे थंडर स्टॉम आया है वो चला जाए साइक्लोन आया है वो चला जाए तो उसके बाद ही अपियर होते हैं या सामान्य दिनों में भी आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री टाइम स्टार्ट नाउ गाइस आप लोग ये वाली क्लास मिस मत किया करिए कोई भी चाहे पहले पहली बार आप मेरी क्लास कर रहे हो या पहले से करते चले आ रहे हैं, ये क्लास मिस मत किया करिए जितने भी स्टेट के सेट के पेपर है हम लोग वन बाय वन कवर करें आप अपने लेवल पे पढ़ते रहो बढ़िया क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहो सांस्कृतिक आत्मसातीकरण कल्चरलेशन के लिए क्या है बता रहा हूं कल्चरल एसिमुलेशन के लिए बाधक है यही कह रहा है ना मोर इंपॉर्टेंट रिटार्डिंग यानी कि एक बाधा के तौर पर कौन काम कर सकता है देखिए इकोनॉमी कभी भी कोई बाधा नहीं होती है क्योंकि पैसा का कोई धर्म जात भाषा लिंग समुदाय नहीं होता है पैसा पैसा होता है एथनिक कंपोजिशन मतलब जैसे हम हम किस रेशियल ग्रुप से बिलोंग करते हैं मंगोलाइड्स हैं निग्रोइड हैं या फिर हम ना, है ना बेसिकली जो कॉकेसाइड्स हैं उनसे हैं बिलोंग करते हैं क्या तो ये भी कुछ खास बाधा नहीं करता है और रिलीजन भी खास बाधा नहीं करता है लेकिन बाधा क्या है लिंग्विस्टिक्स स्ट्रक्चर भाषा देखिए रिलीजन अगर एक हो या अलग-अलग हो लेकिन भाषा अगर एक हो तो आप कल्चरली एक दूसरे से मिल सकते हो लेकिन अगर आप दक्षिण भारत जाओ फिर आप उत्तर भारत आओ, फिर आप पूर्वी भारत पश्चिमी इसीलिए भाषा जो है एक बाधा के तौर पर होता है हमारे यहां 350 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो कि दुनिया में सर्वाधिक है इसीलिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ठीक है एक तो ट्वेंटी टू ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा उसके अलावा अब सोचिए आप कितनी भाषा बोलते हो आप कितनी भाषा बोलते हो आप बहुत करते होंगे तो अपनी मातृभाषा बोलते होंगे आप मदर अपनी बोलते होंगे, और अधिक आप बोलते होंगे तो अंग्रेजी में बात करते होंगे और कौन सी भाषा बोलते होंगे तो बहुत करते होंगे आप तो हिंदी में बात करते होंगे इसके अलावा आप और कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं मातृभाषा में आपकी भाषा आ जाएगी जो भी भाषा आप बोलते होंगे और कितनी भाषाएं हैं बाईस सोचिए आप है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्टी फोर जनरली तीन भाषाएं हर कोई बोल लेता है 54 आपका समय होता है शुरू अब <laughs> Because West Bengal set is very frequent exam. They conduct every year examinations. So that's why they have set a parameter, a standard parameter which a student have to be beat for securing a set qualification. And similarly, it is also like NET. आपको फिर से वही है कि देखिए मैंने पिछली बार बताया था कि अगर exam हर साल हो रहा है, every year हो रहा है, एक gap पे हो रहा है तो एक स्टैंडर्ड बनता चला जाता है लेकिन अगर वो पांच साल पे चार साल पे दो साल पे दस साल पे हो रहा है तो वो क्या करते हैं बस रैंडम क्वेश्चंस पकड़ते हैं और बना देते हैं बिल्कुल सही ऑप्शन है ए बी सी डी ए वाला ऑप्शन करेक्ट है ये देखिए डाल नहीं ढाल है ठीक है ढाल के निम्न तत्वों का शीर्ष से पाद की ओर है ना ये ढाल का स्ट्रक्चर है देख लीजिए आप सभी लोग ये मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है अन अकेडमी पे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ये बेसिकली स्लोप रिप्लेसमेंट थियरी जो पेंक का है वहां से ये वर्ड उठाए गए हैं वैक्सिंग है ना वैनिंग ये दोनों किसने यूज किया है पेंक ने यूज किया था अपने मॉडल में इसको हम ले आते हैं अपने मॉडल के ऊपर और देखते हैं इसी को समिटल भी कहते हैं फ्री फेस कहते हैं रेक्लेनियर कहते हैं और बेसल भी कहते हैं सो बेसिकली सेम वही चीज है जो पेंक ने बताया और ये हम अपने मॉडल में भी पढ़ते हैं ये एक जनरल मॉडल है क्या है एक जनरल मॉडल है इसके अकॉर्डिंग सबसे टॉप वाला जो होता है आपका फ्री फेस ठीक है और सेकेंड वाला क्या है थर्ड वाला कॉन्स्टेंट स्लोप इसे हम कॉन्स्टेंट स्लोप कहते हैं और सबसे लास्ट वाला होता है बेसल कॉन्केविटी वैनिंग यानी कि घटता हुआ कम होता हुआ ठीक है 55 Your time start now ओके लूप धारा पूछा था आपसे लूप धारा लूप एक तरीके का करंट है ओशनिक करंट है जो क्यूबा और यूकाटन पेनिंसुला यूकाटन पेनिसुला आप लोग को ध्यान होगा है ना ये वाला एरिया यूकाटन पेनिसुला का है और ये आपका क्या है है ना नॉर्थ अमेरिका हो गया तो so, दिस इज द यूकाटन पेनिंसुला और यहीं पर आपका है क्यूबा राइट right? सो so, देख लीजिए बेसिकली लूप करंट है ये एक वार्म वाटर करंट है जो कैरिबियन से होते हुए यूकाटन पेनसोला तक पहुंचता है और गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाता है ये है लूप करंट ये फ्लोरिडा आप देख रहे हो ये फ्लोरिडा है और ये रहा यूकाटन वाला रीजन यहाँ पर पता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्टी सिक्स Your time start now. ओके okay. कंफ्यूजन है डी ऑप्शन सही होगा ए और सी ए और सी आप अगर ध्यान से देखो तो ये सारे स्टेटमेंट डायरेक्ट हैं जो आप लोग को मैंने इकोनॉमिक जोग्राफी में पढ़ाया था ना जितने भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है लाइन बाय लाइन वहां से पूछा गया है देखिए बेसिकली जो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज होती हैं क्वार्टरनरी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं पार्ट होती हैं किसका पार्ट होती हैं टर्शियरी का यानी कि जो तृतीय प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं इन्हीं का एक भाग होते हैं थोड़ा सा हायर वर्जन जनरली इनको हम क्या बोलते हैं आर एंड डी क्या बोलते हैं आर एंड डी आर एंड डी का मतलब क्या हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये होते हैं आर एंड डी टाइप के एक्टिविटीज इसमें क्या होता है इसमें ज्यादातर हम नॉलेज सेक्टर की बात करते हैं क्या नॉलेज सेक्टर जैसे कोई प्रोफेसर हो गया है ना जैसे कोई साइंटिस्ट हो गया जैसे कोई ऐसा इंजीनियर जो नया इनोवेशन करता हो ठीक है उस तरीके के लोग हो गए इसमें तो वही लोग होते हैं तो इसीलिए इसका काम क्या होता है इसका काम होता है एक्टिविटीज इन्वॉल्व कलेक्शन प्रोडक्शन एंड डेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सूचनाओं से रिलेटेड होता है ये संग्रहण उत्पादन और प्रेषण से जुड़ा हुआ होता है तो इसमें रोल ऑफ आईसीटी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है वही ये किसी भी तरीके के इन्वायरमेंटल या किसी भी तरीके के कंडीशन से बंधे हुए नहीं होते हैं है ना बिल्कुल भी बंधे हुए नहीं होते हैं इसलिए ये वाला गलत स्टेटमेंट है क्यों क्योंकि इसके लिए आपको जरूरत नहीं है हमारे देखिए क्लासेस चलती थी लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था लेकिन हमारी क्लासेस चल रही थी सारा काम ठप हो गया था लेकिन जो साइंटिस्ट थे वो रिसर्च कर रहे थे वो वैक्सीन बना रहे थे क्यों क्योंकि इनका किसी भी तरीके से किसी लोकेशन से किसी रिसोर्स से कोई लेना देना नहीं होता है ये खुद ब खुद क्रिएट करते हैं और ये एक्टिविटीज क्या होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है लाइक सम ऑफ द टर्शरी फंक्शन क्वार्टर एक्टिविटी कैन नॉट बी आउटोर्स एब्सोल्यूटली नॉट करेक्ट आउटसोर्सिंग इनकी सबसे ज्यादा होती है ठीक है आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि वर्क को करवाने के लिए आप हायर्ड कर सकते हो स्पेशलिस्ट लोगों को तो ये काफी ज्यादा आउटसोर्स होने वाला सेक्टर है तो ये गलत हो जाएगा यानी कि सिर्फ ए और सी करेक्ट होंगे ठीक है देखो सेम लाइन बाय लाइन इसको हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं है ना ये पूछता है एग्जाम में कि नॉलेज सेक्टर कौन से हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को बोलते हैं तो चतुर्थक क्रियाकलापों को यानी कि क्वार्टनरी एक्टिविटीज को कहा जाता है ठीक है ये काफी हाई ग्रोथ वाले होते हैं और डिमांड भी बहुत होता है क्योंकि कंजम्शन इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज़ की होती है इसीलिए ये क्या होते हैं काफी डिमांड में होते हैं लाइक सम अदर टर्सरी फंक्शन क्वार्टनरी एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स they are not tied to the resources affected by environment or anything localized market 57 pdf हर क्लास का मिलता है यू डोंट नीड टू आस्क आपको हर क्लास का पीडीएफ दिया जाता है आप यहां से डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ऑप्शन करेक्ट है नगर भूमि संकेंद्रण जो पद्धति थी बर्गेस का वो डिस्टेंस फ्रॉम सिटी सेंटर को देखता है ठीक है रिंग वन रिंग टू रिंग थ्री इसी तरीके से राइट right? तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा इतना डाउट नहीं करना चाहिए था अपने अपने कंसेंट्रिक जोन मॉडल किसका था अर्बन सोशियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट बर्गेस का था 1925 में दिया था इनका मॉडल का ये बताना था कि कोई भी शहर जो है वो ग्रो करती है आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एरिया सेंट्रल एरिया मतलब सीबीडी जिसे ये हम डाउनटाउन भी कहते थे तो सीबीडी के बाहर ये क्या होता है डेवलप होता है जैसे रिंग वन हो गया तो रिंग टू उसके बाद बनेगा ट्रांजिशन फिर रिंग थ्री बनेगा वर्किंग क्लास फिर रिंग फोर बनेगा बेटर रेजिडेंट फिर रिंग फाइव बनेगा कम्यूटर जोन है ना ये सारे रिंग्स की ये बात करते हैं ठीक है बात समझ में आई चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टी एट चलो कठिन था क्या आपके लिए बहुत टफ हो गया क्या थर्टी नाइन परसेंट लोगों ने करेक्ट किया भूमध्य सागरी में क्या होता है जाड़ों में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु सूखा होता है सोचना ही नहीं था है ना फिर पशु संवर्धन कहाँ होता है बेसिकली शीतोष्ण और उष्ण कटबंधी घास भूमियों में लाइव स्टॉक रेंचिंग इसमें भी सोचना नहीं था उसके बाद देखिए कॉमर्शियल ग्रेजिंग कहां होगा तो कॉमर्शियल ग्रेजिंग में लिखा हुआ है सवाना क्षेत्र अब देखिए सवाना कई सारे जगहों पर विभाजित है हमें जो दिमाग में हमारे रहता है कि सवाना सिर्फ अफ्रीका में है ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा सवाना दुनिया के और भी देशों में है जैसे कि सवाना ऑस्ट्रेलिया में भी है सवाना यूरोप में भी है सवाना नॉर्थ अमेरिका में भी है साउथ अमेरिका में भी है सो बेसिकली वट इज सवाना सवाना इज अ एरिया और लैंड अ मिक्स्ड एरिया क्या होता है एक मिक्स्ड लैंड होता है लैंड बोले तो यानी कि जैसे कोई ग्रास लैंड हो गया ठीक है ना कोई ग्रास लैंड हो गया प्लस जो ट्री होते हैं यानी कि पेड़ सवाना का मतलब ये होता है है ना घास भूमि समझ रहे हो? घास भूमि और पेड़ हो गए तो इनके बीच का अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा तो सवाना आप ऐसा समझिए कि जो घास भूमिया होती हैं दुनिया की जैसे यहां पर हो गया आपका ये पूरा एंटायर रीजन क्या है सवाना का ही है ये पूरा एंटायर रीजन अब इसमें ग्रासेस भी हैं इसमें पेड़ भी हैं इसमें पार्क पार्कलैंड भी हैं तमाम तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है और डेयरी फार्मिंग कैपिटल इंटेंसिव होता है ये बिल्कुल सही है अगर हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो कैपिटल इंटेंसिव होता है क्योंकि न्यूजीलैंड हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गया या साउथ अमेरिका हो गया इन सारे ही देशों में क्या होता है कि पैसा बहुत लगाया जाता है क्योंकि सिस्टमैटिकली साइंटिफिक तरीके से ये लोग एनिमल फार्मिंग करते हैं फॉर द मिल्क प्रोडक्शन एंड सब्सिडरी है ना जो प्रोडक्ट होते हैं बाय प्रोडक्ट होते हैं उनके तो बिल्कुल सही है थोड़ा सा डाउट हुआ होगा सवाना के ही कारण इसीलिए डाउटफुल लगा होगा क्वेश्चन नंबर फाइव नाइन टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, ये तो सिंपल है 66 लोगों ने आंसर किया इसका मतलब कुछ ज्यादा ही आसान हो गया जीन ब्रूं जो है वो संभववाद संभावनावाद कह लीजिए और अगर हम ओ एच के स्पेट की बात करें प्रसंभवाद प्रोबेबलिज्म ग्रिफिथ टेलर की बात करें नव नियतिवाद या नियवाद तो और फ्रेडरिक फ्रेडरिक रेट जेल ठीक है ये किससे रिलेटेड थे नियतिवाद से रिलेटेड थे डिटर्मिनिज्म से सो so, डी का वन यहां पर सिर्फ एक ही जगह है और वो है सी के पास तो फिफ्टी नाइन का हो जाएगा सी है ना ये सबके करेक्टली मैच्ड ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिक्सटी गैस देखिए इन इसका आंसर क्या हो सकता है <coughs> <coughs> हो तो बेसिकली देखो <coughs> 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 सॉरी इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्यों अगर आप सिर्फ जीआईएस पढ़ रहे हो अगर अगर आप सिर्फ जीआईएस पढ़ रहे हो एंड रेस्ट को आप छोड़ दे रहे हो तब तो जीआईएस में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा राइट लेकिन ऑप्शन में है नहीं लेकिन अगर हम जैसे एड़ेसे, एटेटी की बात करें प्रॉक्सिमिटी या कनेक्टिविटी तो ये किस किससे रिलेटेड है से है ये कौन सा वाला हो जाएगा आपका वेक्टर डेटा मॉडल हो जाएगा ठीक है ना वेक्टर डेटा मॉडल हो जाएगा इसमें हम इस तरीके के कनेक्टिविटीज को देखते हैं सो टोपोलॉजी इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है जो कनेक्टिविटी एडजेसेंसी एंड कोइंसिडेंस अमंग जोग्राफिकल फीचर्स जो भी भौगोलिक है ना फीचर्स होते हैं जैसे कि कोई भी स्थान हो गया कोई नदी हो गया तालाब हो गया लैंड यूज का कोई भी पैटर्न हो गया उन सबके बीच में रिलेशन को दिखाता है ये टोपोलॉजी की स्पेशियलिटी है इसके अलावा और कुछ नहीं ये ध्यान रखिए इसको हम कैसे दिखाते हैं इसको हम पॉइंट लाइन एंड पॉलिगन के थ्रू दिखाते हैं है ना पॉइंट लाइन एंड पॉलिगन के थ्रू दिखाते हैं जो कि लोकेशन डिस्टेंस और डायरेक्शन को भी एक्सप्रेस करता है सो so, इसमें आपको मैंने बताया वेक्टर इसी तरीके से एक और होता है रास्टर है ना रास्टर में क्या होता है हम पिक्सल्स सेल्स का इस्तेमाल करते हैं या ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं ये किसके लिए होता है वो टोपोलॉजी के लिए तो ये किसके लिए रिमोट सेंसिंग के लिए ठीक है ना अगला प्रश्न देखिए 61. टुडे इज अप्रैल और अन अकेडमी पे जो 25 परसेंट डिस्काउंट ऑफर चल रहा है उसका आज लास्ट डेट है आप में से जो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं आज और आज ही ले लीजिए क्योंकि अब तो कल टाइम भी नहीं आपके पास कुछ भी पूछना हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या है ना व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कोई इश्यूज नहीं है ठीक है so, सो डेविस जो इन्होंने टर्बिडिटी करंट थियरी दिया था ये अकेले नहीं थे इनके अलावा और भी लोग थे ये अकेले नहीं थे इनके अलावा और भी लोग थे जस्ट इमेजिन कौन कौन लोग रहे होंगे टर्बिडिटी करंट थियरी पता किसका है डेली का है डेली गिवन दिस कॉन्सेप्ट बस सिर्फ यही नहीं थे इसके अलावा और भी लोग थे जैसे कि डेविस के साथ देखिए आर ई रिथर टैंजियर स्मिथ पी डी लॉसन डेली बुकानन ये लोग थे जिन्होंने सबमरीन कैनियन के ओरिजिन से रिलेटेड है ना सबमरीन कैनियन के ओरिजिन से रिलेटेड टर्बिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया था खैर ये तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया डी बट आप मुझे ये बताओ कि टर्बिडिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन से जगह पर मिलते हैं सबमरीन कैनियन ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए कॉन्टिनेंटल स्लोप ऑप्शन नंबर बी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है ऑप्शन नंबर सी कॉन्टिनेंटल राइज या ऑप्शन नंबर डी सी प्लेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड डीप सी प्लेन ऑप्शन खुले हैं आप एबीसीडी मार्क कर सकते हैं अच्छा इसका मतलब पोल करवा लिया जाए ज़्यादा सटीक रहेगा क्या पोल एंड 65 परसेंट लोगों ने सही आंसर किया स्लोप चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू जैव विविधता में कमी के लिए दो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। एक इसमें है और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं क्या है स्पीशीज इंट्रो इंट्रोडक्शन इस पे बहुत धीरे धीरे लिखना पड़ता है क्योंकि ये आधा खा जाता है। इसमें है इसमें क्या दूसरा वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा पहला वाला आवास का विनाश डिस्ट्रक्शन ऑफ दोनों ही क्या है जैव विविधता में कमी के लिए जिम्मेदार हैं। बेसिकली देखो तो हैबिटाट का मतलब क्या होता है घर होता है जैसे मेरा habitat, ये मेरा घर जहां से मैं क्लास ले रहा हूं अब अगर सोचिए है ना अब अगर सोचिए मुझे रिफ्यूज़ ही बनना पड़ेगा तो मैं क्लास कैसे लूंगा ठीक है वैसे ही जानवर लोग भी होते हैं अगर इनके हैबिटेट खत्म हो जाएंगे तो कहां रहेंगे ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी थ्री क्लियर है ऑडियो वीडियो चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री ममफोड़ आ गए यहां पर ममफोड आ गई ना पुलिस आ गई पुलिस अंडर द ट्री क्लास लेंगे ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है पेड़ों के नीचे छाया होगी मस्त एकदम हवा चलेगी जानवर बैठ के क्लास लेंगे फिर शेर चीता एलिफेंट सब आएंगे पढ़ेंगे फिर आप लोग नहीं आओगे चलो देखो प्रारंभ होता है से से शहर क्या होता है खत्म होना शुरू हो जाता है और कहां पहुंचता है नेक्रो नेक्रोपोलिस नेक्रोपोलिस का मतलब क्या हो जाएगा वो शहर जो एकदम से खराब हो गया है है ना खराब गया मतलब अब वहां कोई नहीं रहना चाहता है कोई रहता भी है तो क्रिमिनल्स लोग रहते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए डार्क चाहिए <laughs> है ना तो वो चीज है यहाँ पर इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट है देख लो जी ये है स्टेजेस ऑफ गाइस एक सेकेंड रुक जाना ठीक है <laughs> देख लिया इसे चलो आगे बढ़ते हैं 64 मेट्रोपोलिस नहीं रे बाबा नेक्रोपोलिस नेक्रो एन ई सी आर ओ नेक्रो चलो देखो ये वाला 64 एबीसी क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा इनकी अवधि काल थियोफ्रेस्टस से पूर्व की नहीं थी थियोफ्रेस्टस के बाद आए थे थियोफ्रेस्टस का जीवन काल 350 के बीसी के आसपास है है ना तो उसके बाद ही आए थे जन्मकाल जो है काल जो है 250 76 के आसपास है बाकी सब सही है

ऑप्शन इसमें कोई शक है ना हवाई कहां पर है कोई टेक्टोनिक इवेंट नहीं होता है हवाई आइलैंड्स पे तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हॉट हॉट स्पॉट ठीक है एक और कॉन्सेप्ट है विच इज रिलेटेड टू हॉट स्पॉट बट दैट इज रिलेटेड टू वेजिटेशन है ना पढ़ा है कहां पढ़ा है स्पॉट कहां पढ़ा है ये आपको इंडिया में चार प्रकार के मिल जाएंगे एक्चुअली प्रकार नहीं चार जगह पर मिल जाएंगे और ये वाला किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है मैग्मा से ठीक है ना जो मैग्मा जैसे ही सरफेस पर आता है वो लावा कहलाता है ठीक है क्लियर है चलो अच्छा ये वाला हॉटस्पॉट बताना है वेजिटेशन वाला

ये सब कुछ जगह है जो कभी हॉटस्पॉट हुआ करते थे अब समझ में दो डिफरेंट चीजें हैं यहां पर अगला प्रश्न सिक्सटी सिक्स जो कोई भी इस प्रश्न का आंसर सही करेगा और बी एस चूज करेगा उसको अगले क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा बोलो मंजूर नहीं मंजूर <laughs> मंजूर नहीं है अच्छा इतने लोग हैं सेवेंटीन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट बेसिकली बी डब्ल्यू होगा ना बी एस का क्या हो जाता है बी एस क्या है स्टेपी है ठीक है एडब्ल्यू क्या है सवाना टाइप ऑफ रीजन है और ये आपका माइक्रोथर्मल रीजन जो फुल ईयर रेन या रेनफॉल रिसीव करता है जैसे फॉर एग्जांपल जहां पर दुनिया के टेम्परेट रीजन हैं या तो सॉलिड स्नोफॉल या तो लिक्विड रेनफॉल के फॉर्म में रेनफॉल रिसीव करते हैं सो बेसिकली बी डब्ल्यू हो जाएगा सही ऑप्शन इंडिया में बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है ना ये होता है डेजर्ट वाला, अगला प्रश्न ये वाला क्लास मैंने पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे आप यहां जाइए और इसको देखिए फ्री में है और इतना सिंपल तरीके से बताया है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा तो आके बताना मुझे सिक्सटी सेवन देखो योर टाइम स्टार्ट नाउ मैरी आना मैरी आना मतलब मैरी तुम आना यही तो लिखा है बेसिकली इट शुड मेरी आना क्या होगा चैलेंजर एक्सपेडिशन कब हुआ था चैलेंजर एक्सपेडिशन मुझे बस ईयर बता दीजिए आप समझ जाऊंगा कि आपको आइडिया है इसका मुझे ये बता दीजिए बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नहीं चैलेंजर एक्सपेडिशन जो हुआ था वो 1875 में हुआ था ठीक है और ये एच जो चैलेंजर बेसिकली उसका नाम था ये उस शिप का नाम था जिस शिप से लोग गए थे इसको पता करने के लिए ठीक है और sounded, sounded depth का मतलब क्या होता है? सोनार से सोनार से डेफ्थ को मेजर कर कोई वहां गया नहीं था झंडा गाड़ने से वहां चंद्रमा पे पहुंच गए थे वहां कोई नहीं जा पाएगा ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो उतनी गहराई तक जा सके तो इसलिए सोनार के थ्रू क्या होता है इसको पता किया जाता है ये क्वेश्चन देखिए एक सेकेंड और उस एच का नाम एच क्यों पड़ा पता है आपको ऐसा ही एक एच था बीगल है ना ध्यान होगा आप लोग को किसका था ये शिप बीगल ये वाला शिप उस उनका था डार्विन का और यहां पर एच चैलेंजर क्यों एच क्यों नाम पड़ा क्यों नाम पड़ा एचएमएस राजा या रानी यही तो होता है ना राजतंत्र में या तो राजा शासन करेगा या रानी शासन करेगी ठीक है अब चूंकि लैंड ऑफ ब्रिटेन था वो तो ब्रिटेन में ज्यादातर किसने शासन किया है पता है आपको ऐसे तो रानियों का राजा रानियों का काल ज्यादा रहा है बट राजाओं ने सबसे ज्यादा शासन किया है तो जब राजा होती राजा होते थे तो हिज और जब रानी होती थी तो हर एम मतलब मैजेस्टीज शिप है ना एच एम एस हर और हिज जो रहता था शासन में उसके अकॉर्डिंगली है ना चलिए नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा भूमंडली ऑप्शन प्रवाल विरंजन सबसे इसी कारण से हो रहा है ठीक है अगला प्रश्न देखिए सिक्सटी नाइन आपको पता है ब्रिटेन पे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी कौन रही हैं? हम्म क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सेकंड है ना सेकंड इसके पहले भी एक लोग थी बट इनका काल सबसे ज्यादा है इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू भी देखा था सोचो कपासी वर्षा बादल तड़ित झंझा यानी कि थंडर स्टॉम में वो क्लाउडी जो वर्टिकल क्लाउड होते हैं ना उनको हम कपासी यानी कि क्लोम्लोनिम क्लाउड कहते हैं सेवन जीरो हाँ अभी हाल ही में उनका डिमाइस यानी कि इंतकाल हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही कुछ दिन क्या महीने हो गए सेवन जीरो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बताओ सबसे बड़ा डायमंड दुनिया का क्या नाम है नेम इमेट सिटी को पढ़ते हुए ऑप्शन दो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ऑप्शन ए ऑप्शन बी Option C and Option D. चलो बताओ कौन सही आंसर बताएगा अरे कोहिनूर नूर है कलिनन है चश्मे बदूर है तीन तो डायमंड का नाम बता दिया मैंने <laughs> अगर नाम नहीं सुना है इसका तो कैसे कर दिया आंसर इकोनॉमिक जियोग्राफी में जाओ पढ़ो जहां पर मैंने डायमंड पढ़ाया है आप लोगों को वर्ल्ड डायमंड डिस्ट्रीब्यूशंस कलिनन दुनिया का सबसे बड़ा इतना बड़ा डायमंड था इतना बड़ा डायमंड था उसको तोड़ा गया काटा गया तब छोटे छोटे पीस उसके बने साउथ अफ्रीका के माइंस से निकला था कलिनन ठीक है चलो एक नया नॉलेज मिला मार्क जेफरसन के अलावा अच्छा ठीक है एक और इंफॉर्मेशन ले लीजिए आज है ट्वेंटी फोर और आज ही खत्म हो रहा है का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर एक हफ्ते से चल रहा था आज खत्म हो जाएगा रात्रि बारह बजे के पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आप दिसंबर दो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जून के लिए पढ़ रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए मेरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है है ना ये नया बैच आपको मिल जाएगा जोग्रफी ऑफ इंडिया मॉडल्स एंड थियोरीज और बाकी जो कोर्सेज है वो भी आपको मिल जाएंगे हाँ वो पीजीटी क्वेश्चन था बट मुझे पता नहीं था मैं, मैं तो पढ़ाता हूं आप लोगों को ना वो तो मैं पढ़ाता हूँ डायमंड का ठीक है कोड अभिषेक जो यूज करेंगे गाइस जो भी ज्योग्राफी के या दूसरे सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं जो भी हैं पेपर वन के लिए पेपर टू के लिए पढ़ना चाह रहे हो है ना सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं आज लास्ट है ध्यान रखिएगा या टेलीग्राम पे मैं एक लिंक शेयर करता हूं नेट जरब पे यहां पर मैं एक लिंक शेयर करता हूं हमेशा उस लिंक को भी ओपन करके आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाइड रहता है आपका चलिए वो छोटा था जो पढ़ा है आप लोगों ने ना वो छोटा डायमंड हो गया उसको तोड़ा गया है उसको काटा गया है है ना बहुत बड़ा डायमंड था वो बहुत बड़ा डायमंड था शायद कुछ थाउजेंड कैरेट वगैरह का था उसको तोड़ा गया है और कई सारे जगहों पर वो चला गया है सेवेंटी वन देखिए गाइस दिख रहा है क्या स्लाइड बहुत ब्लर हो गया है हाँ अब पढ़ दीजिए इसको यू टाइम स्टार्ट नाउ बेसिकली इस क्वेश्चन में ऑप्शन सटीक नहीं है मैं आपको बता दूं ऑप्शन सटीक नहीं है दो ऑप्शंस पे डाउट है है ना देखो क्या होगा कि ये वाला सही है ना एक बड़ा वार्म या कोल्ड एरिया कवर करता है एक ही एरिया कवर करेगा वार्म है तो वार्म एरिया कोल्ड है तो कोल्ड टेम्परेचर मॉइस्चर क्या होते हैं एक इक्विलिब्रियम स्थिति में होते हैं इसलिए यूनिफॉर्म होगा और जब यूनिफॉर्म सही है तो वेरिएबल नहीं होगा और कोल्ड एयर मासेस की जगह पर वार्म होता तो ज्यादा अच्छा होता है ना तो ये दोनों ही स्टेटमेंट डाउटफुल हैं तो ए बी होता बट ए भी कहीं नहीं है ठीक है तो मुझे लगता है ना इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया होगा मे बी एक्स ऑप्शन मैं ऐड कर दे रहा हूं ए बी आप दोनों में से किसी यही वाला ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू चलिए तो फटाफट फड़ चार तीन क्वेश्चन और करना है पांच मिनट में तीन क्वेश्चन देखिए देखिएगाइ ट्रोपोफाइट नहीं होगा क्योंकि ट्रोपोफाइट में क्या होता है जहां रेनफॉल बहुत होती है है ना जहां पर रेनफॉल अच्छी खासी होती है हेट्रो होगा हेट्रो हेट्रो मतलब विषम विषम मतलब जो जेरोफाइटिक जोन में भी हो जहां कम बारिश होती है और हाइड्रोफाइटिक में जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे जगहों में रहने वाले को हम हेड्रोफाइट कहते हैं ए ऑप्शन फटाफट करते हैं सेवेंटी थ्री डिड आई एक्सप्लेन इन एनी ट्रोपोफाइट। यू श्योर ओके तो मे भी तब इसमें कहीं पर कंफ्यूजन हुआ होगा मैं देखूंगा इसको अगर कहीं पर और एक्सप्लेन किया है तो आप में से कोई भी मुझे शेयर कर देना व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ठीक है मैं देखूंगा क्योंकि गलत नहीं हो सकता ना सेवेंटी थ्री अच्छा ठीक है मैं देखता हूं अपडेट करके ही दूंगा आप लोग को पीडीएफ कार्बन नाइट्रोजन साइकिल ऑफ एरोजन ऑक्सीजन ये बहुत आसान सा प्रश्न था बहुत दिमाग नहीं लगाना था इसमें ठीक है अपरदन चक्र ये नहीं रिलेटेड है सेवेंटी फोर Yes, that was a difficult question. बी ऑप्शन ज्यादा सटीक है है ना ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइम में क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ उसको पूछ रहा है यहां पर आपसे मातात्मक क्रांति तो 60s में हुई है तो बिल्कुल बात सही है और जीआईएस वगैरह का इस्तेमाल जो है मैपिंग के थ्रू तो 90s में है क्योंकि जीआईएस ही 85 के बाद आया है इट इज 687 में जीआईएस ही आया था तो डेवलपमेंट होते-होते 3-4 साल उसको लग गए फिर कंप्यूटर मैपिंग जो है वो नाइनटी सेवेंटी के अप्रोक्सीमेटली कंप्यूटर बहुत पहले से यूज हो रहा है क्योंकि आपको ध्यान होगा सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह में कंप्यूटर के थ्रू पिक्चर कैप्चर किए जाने स्टार्ट हो गए थे 70's के ही टाइम पे जो लैंड सेट है ये क्या था ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था ये लॉन्च किया गया था यूएस के थ्रू थोड़ा थोड़ा रिलेट करके आप आंसर कर सकते थे इसके अलावा स्थानिक डेटाबेस का हो जाएगा नाइनटी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड दिखा रहा हूं बस इस क्वेश्चन के बाद दिखा रहा हूं ये ओरिजिनल ट्रांसलेशन है जो पेपर में दिया है उसी का हिंदी में कितना कठिन है समझना इसको लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो यही टर्म पूछता है कोरोलॉजिकल यही टर्म पूछता है हिंदी में कितना कठिन बना दिया ठीक है इसका सही ऑप्शन क्या होगा डी होगा बी एंड कौन है अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था ये ओजोन लेयर को इन्होंने बताया कि उसमें छिद्र हो रहा है 85 में इमीडिएटली क्या हुआ वियना कन्वेंशन हुआ था इमीडिएटली और कार्ल ट्रॉल कौन है जर्मन जोग्राफर है तो सही ऑप्शन हो गया बी एंड डी लीडर बोर्ड देख लीजिए अरे रिस्थोफेन का नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए पढ़ा तो रहा हूं पढ़ाया तो है ही आर्च, आर्चिशा दीपिका त्रिष्णा रिकी सत्यजीत देवलीना प्रणामी शशांक वरुणा और रिया टॉप टेन में हैं आप सभी लोग बधाई हो कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है अब अगली कक्षा आपकी कल होगी दोपहर बारह बजे है ना अब दोपहर बारह बजे हम लोग मिलेंगे कल बाकी पेपर पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पे ये मेरे नए कोर्सेज आ गए हैं दिसंबर के लिए आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो दिसंबर 2023 का एग्जाम अगर आप देना चाहते हो 2023 का तो ये कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं नया बैच स्टार्ट हो चुका है ये न्यू बैच है ठीक है अभी सब्सक्रिप्शन का 25% परसेंट ऑफर चल रहा है डोंट मिस क्योंकि 25% परसेंट ऑफर आज खत्म हो जाएगा और दोबारा लौट के नहीं आएगा ठीक है ये ध्यान रखिएगा अब नहीं आएगा ट्वेंटी डिस्काउंट अब जब भी आएगा ट्वेंटी ही आएगा कब आएगा अन ही बता सकती है ठीक है कल दोपहर बारह बजे वापस मिलते हैं शायद केरला सेट का पेपर हम लोग कल करने वाले हैं शायद में भी है ना तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर कल दोपहर बारह बजे जल्दी ही टेक बाय बाय